जय हिंगलाज। ओम हिंगले परम हिंगुले अमृत रूपिणी तनु शक्ति मन शिवे श्री हिंगलाय नमः। मैं मूलीबेन ब्रह्मक्षत्री आपके अपने चैनल मूलीबेन मीडिया नेटवर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर दीजिए। हिंगलाज माता संपूर्ण चमत्कारों की देवी है। हिंगलाज माता आज भी हाजिर हुजूर है। राज राजेश्वरी माँ हिंगलाज का जिक्र शिव पुराण में भी मिलता है। आज हम हिंगलाज माता के ऐसे चमत्कार के बारे में जानेंगे जो माँ ने मध्य प्रदेश के गड़िया घाट मंदिर में दिखाया है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मध्य प्रदेश में हिंगलाज माता के चमत्कारों से पूर्ण एक मंदिर है जिसे गड़िया घाट माता जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के नलखेड़ा से 15 किलोमीटर दूर गांव गड़िया के पास काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर में बरसों से अखंड दीपक जल रहा है, वो भी तेल से नहीं सिर्फ पानी से। विज्ञान चमत्कारों को नहीं मानता है, लेकिन हिंगलाज माता का यह चमत्कार सच है। वह विज्ञान के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। हिंगलाज माता का यह चमत्कार कुछ सालों से मध्य प्रदेश का अजूबा बनी हुई है। यहाँ हिंगलाज माता का छोटा सा मंदिर है, वहाँ एक अखंड दीपक सिर्फ पानी से जल रहा है। लोग इसे हिंगलाज देवी का चमत्कार मानते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर साजापुर है। साजापुर जिले की तहसील नलखेड़ा से 15 किलोमीटर दूर एक छोटी सी जगह गड़िया है, वहां हिंगलाज माता का मंदिर है। यह मंदिर काली सिंध नदी के घाट पर स्थित है, अतः इसे गड़िया घाट माता जी का मंदिर कहते हैं। हिंगलाज माता के इस मंदिर में दीपक पिछले 35 सालों से अखंड जल रहा है। 9 साल पहले तक वह सामान्य तेल से ही जलाया जाता था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वहां दीपक में पानी भी आग पकड़ने लगा। यह हिंगलाज माता का चमत्कार ही था। यहाँ स्थित मंदिर की युगल मूर्तियां पाकिस्तान स्थित हिंगलाज माता व योगिनी माता की युगल मूर्तियों जैसी ही दिखती है। आम तौर पर देवी देवता के सामने घी या तेल का दीपक जलाने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन गड़िया घाट के इस मंदिर में हिंगलाज देवी के प्रभाव से अखंड दीपक जलता है और वह भी पानी से। पानी तो आग बुझाता है, फिर आग जला कैसे सकती है, लेकिन यह 100% सही है। इस मंदिर में घी तेल की जरूरत नहीं पड़ती है, वरन पिछले कुछ वर्षों से पानी से दीपक जल रहा है। हिंगलाज माता का यह मंदिर काली सिंध नदी के किनारे स्थित है, इसी नदी के पानी से यह दीपक जलाया जाता है। दीपक में पानी डालने से तरल चिपचिपा हो जाता है, लेकिन जिसके कारण दीपक लगातार जलता रहता है। कुछ वर्ष पूर्व माता ने पुजारी के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि पानी का दीपक जलाओ, जिसका आदेश मानकर पुजारी ने काली सिंध नदी के पानी से दीपक जलाया तो वह जल गया। तब से माँ के चमत्कार से यह दीपक ज्यों का त्यों जल रहा है। दीपक में डालने वाले पानी को काली सिंध नदी से लाया जाता है। हिंगलाज माता के मंदिर का यह दीपक सिर्फ बरसात के मौसम में ही नहीं जलता है, क्योंकि काली सिंध नदी में जल स्तर बढ़ जाने से मंदिर पानी में डूब जाता है, अतः बरसात के मौसम में दीपक बुझ जाता है, जिसके कारण दीपक बंद हो जाता है। इसके बाद शारदीय नवरात्र से पहले ज्योत पुनः जला दी जाती है, जो कि अगली बारिश तक जलती रहती है।
यह था हिंगलाज माता का अद्भुत चमत्कार। हिंगलाज माता की विलक्षण शक्तियां अद्भुत है। अब हम हिंगलाज माता के ध्यान या मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। जब भी कोई दुखद घटना से मन खिन्न हो गया हो, निराशा के बादल चारों तरफ छाए हुए हो, असफलता के कारण चित्त दुखी हो गया हो, भविष्य की भयानक शंका सामने खड़ी हो, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया हो, तब इधर उधर हमें नहीं भटकना चाहिए। हमें माँ हिंगलाज का पल्लू पकड़ लेना चाहिए। इस विषम परिस्थिति में चित्त को हर तरफ से हटा लेना चाहिए। हृदय मंदिर में चले जाना चाहिए व हिंगलाज माता का ध्यान करने लगना चाहिए। हिंगलाज माता का वाहन हंस है। वो माँ अष्टभुजाधारी है। वह विविध आयुधधारी है। अभय देने वाली, दयामयी, करुणामयी, भक्त वत्सला माँ हिंगलाज का ध्यान करना चाहिए। बाहर की सभी बातों को भूलकर, पाप और ताप को दरवाजे पर छोड़कर हम जैसे जैसे हिंगलाज माता का ध्यान करने लगते हैं, वैसे वैसे हमको पता चलेगा कि हमारी सारी चिंता, दुख, द्वंद्व मिटने लगा है। वह हल्कापन महसूस होने लगा है। गर्मी से त्रस्त व्यक्ति को जैसे बर्फ के घर में ठंडक मिलती है, वैसे ही शांति हिंगलाज माता के ध्यान से मिलेगी। थोड़ी देर में आनंद का अनुभव होने लगेगा। इस आनंद युक्त स्थान को ब्रह्मलोक या गोलोक कहते हैं, जहाँ सिर्फ पवित्रता, प्रकाश व शांति है। हिंगलाज माता ने हमें यह स्वर्ग की सीढ़ी सुख का अनुभव करने के लिए ही दी है, लेकिन अज्ञानवश हम उसे जान नहीं पाते हैं व बाहर सुख ढूंढते हैं। इस प्रकार आज हमने हिंगलाज माता के चमत्कार व हिंगलाज माता के ध्यान के बारे में जाना। समाज में धर्म व ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। एक बार फिर से माँ हिंगलाज को याद कर लेते हैं। ब्रह्मरंध्र हिंगलायाम भैरव भीम लोचन कोटरीसा महामाया त्रिगुणाया दिगंबरी। आज बस इतना ही।